और अभी हम आपको जो है जादुई पत्थर दिखाएंगे जो जयपाल जादूगर ने फेंका। वो पत्थर है जो जयपाल जादूगर ने फेंका था और आज तक बताया जाता है ये हवा में रुका हुआ है, देख सकते हैं आप। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको जो बता रहा था जादुई पत्थर जो जयपाल जादूगर ने फेंका था, तो उस बारे में आपको पूरा यहाँ का ये देख सकते हैं, ये वही पत्थर है जयपाल जादूगर ने जो फेंका था। और यहाँ का रास्ता कैसा आने का पूरा मैं स्टूडियो में आपको बताने वाला हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पर ये वो पत्थर है। तो चलो दोस्तों कैमरा घुमाते हैं और पूरा यहाँ का किस प्रकार से मंजर है, क्या यहाँ की बातें हैं पूरी आपको स्टूडियो में बताएंगे। तो कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलो तो दोस्तों ताड़ागढ़ की दरगाह शरीफ की तरफ से हम जो है आ चुके हैं ज़ियारत करके, और अब हम चल रहे हैं आपको जादुई पत्थर दिखाने, जो कि काफ़ी लोग मशहूर जो जादुई पत्थर है वो देखने के लिए आते हैं। और उसी रास्ते के बीच में अभी मौजूद है हम, और उस रास्ते के बीच में यहाँ पर देख सकते हैं भी जो है एक भाई अपना ये जड़ी बूटी का जो तेल होता है यहाँ पर बेच रहे हैं, और ये इनका यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है देख सकते हैं आप, और यहाँ इनके जो है दवाई वगैरह जड़ी बूटियों की। अभी भाई से भी हम पूछेंगे इनकी रेट के बारे में और इन दवाइयों के बारे में कितनी फ़ायदेमंद है और क्या इनके बारे में जानकारी है, जो कुछ भी हम जो है भाई से भी लेने वाले। जी भाई बताइए। तेल लीजिए तो दर्द का जड़ी बूटी का। जी जी, तो देख सकते हैं भाई अभी लंच कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते इनको कोई तकलीफ दें, तो भाई ने कह दिया है तेल ले हुए जड़ी बूटी का और फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप अगर ये तेल यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ से अजमेर शरीफ ताड़ागढ़ के रास्ते के बीच में से ये आपको जड़ी बूटी का तेल मिल जाएगा, आप ले जाके यूज़ करें, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। तो चलते हैं अपन नीचे की तरफ और जहाँ पर जादुई पत्थर है वो भी आपको दिखाते हैं। तो हम जो है ताड़ागढ़ की दरगाह शरीफ की ज़ियारत करने के बाद नीचे जब उतर रहे हैं, और नीचे उतरने के जो रास्ता है अभी हम जा रहे हैं मिठिनी मौला बाबा की दरगाह की तरफ से, और वहीं से जो ये नज़ारा और जो भी मंजर है अभी ये दूसरे रास्ते की तरफ का हम जो आपको दिखाने वाले। और जो यहाँ पर आप दुकान वगैरह देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको कुछ यहाँ पर जो है नगीने और अंगूठियाँ भी मिल जाएगी आपको, काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर रास्ते में आपको देखने को मिल जाएगी जब आप ताड़ागढ़ दरगाह शरीफ से नीचे की तरफ जाते हैं दूसरे रास्ते से। अगर आप जाना चाहें, अगर आप जहाँ से आए वहाँ से भी जाना चाहें जा सकते हैं, बाकी यहाँ पर दो रास्ते हैं जाने के लिए और आने के लिए। तभी हम जा रहे हैं ताड़ागढ़ का जो दूसरा रास्ता है जो मिठिनी मौला बाबा की दरगाह की तरफ से जाता है, और जयपाल जादूगर का जो पत्थर है जो उसने फेंका था वहाँ की तरफ अभी हम आपको लेके चल रहे हैं, और वहाँ का कैसा एक मंजर रहेगा क्या नज़ारा होगा वो भी आपको पूरा दिखाएंगे। और चलते अब नीचे की तरफ और संभल के उतरना होगा, ये सब देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ का एक सीन है। दोस्तों जैसे कि कुछ लोग जो है दूसरे रास्ते से जब आते हैं तो ये ताड़ागढ़ का जो दूसरा रास्ता देख सकते हैं यहाँ से आप जा सकते हैं ऊपर, और जो कुछ लोग इसी रास्ते जाते हैं और इसी रास्ते से आते भी है। तो हम जो है आए थे पर जो गोसपाक का चिल्ला मुबारक है बड़े पीर साहब का वहाँ से आए थे, और अब जो है हम जा रहे हैं यहाँ से ये दूसरे रास्ते से जो मिठिनी मौला बाबा की दरगाह शरीफ की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जिस रास्ते से हम जा रहे हैं और रास्ते के बीच में क्या क्या दुकानें और क्या क्या चीज़ें आपको बिकती हुई नज़र आएगी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पानी वगैरह मिल जाएंगे कुछ इस प्रकार से, जो है चना मूँगफली जो भी यहाँ पर देख सकते सलाद है यहाँ, ये सब आपको खाने पीने की आइटम यहाँ पर मिल जाएगी, और काफ़ी जो आपको परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है रास्ते के बीच में बिकती हुई नज़र आएगी। और देख सकते हैं यहाँ पर मेहमान ज़ायरीन जो है ऊँट पे खड़े होके यहाँ पर सेल्फी भी खिंचवाते हैं और इस पर बैठ के भी सेल्फी फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं, देख सकते हैं आप अभी ये ऊँट है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप आराम से इस घोड़े पर बैठ के सेल्फी वगैरह खिंचवा सकते हैं केवल 30 रुपये में, और यहाँ पर ये घोड़ा है मौजूद, और सामने आप देखेंगे राजस्थानी ऊँट, इस पर भी आप जो है बैठ के फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। तो जैसे आप ताड़ागढ़ दरगाह शरीफ की तरफ जाएंगे इस रस्से से तो यहाँ पर आपको ऊँट वगैरह भी दिख जाएंगे, देख सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ से हम उतर रहे हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से खाने पीने के आइटम आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आप देख लें सलाद है, पेरू, अमरूद, चना, मिक्सचर, यहाँ पर सब चीज़ें आपको जो है मिल जाएंगी रस्ते में, और पूरा जो है आप रस्ते में आनंद उठा सकते हैं। अब चलते हैं अपन थोड़ा आगे की तरफ। और दोस्तों हम जैसे ही उतर रहे थे रस्ते से तो रस्ते के बीच में हमें कुछ इस तरह से जो है बंदर देखने को मिले हैं, देख सकते हैं यहाँ पर बंदर बैठ के कितने आराम से यहाँ पर जो है अपना खाना खा रहा है, और ये रस्ते के बीच में ही है और ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते बंदर। और देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे जो है बंदर मौजूद है अभी इस पहाड़ी के बीचम बीच में, देख लिया आपने यहाँ का इस प्रकार से जो है नज़ारा देखने को मिलता है। चलते हैं हम अब नीचे की तरफ, और नीचे भी किस तरह से जो है नज़ारा देखने को मिलता है हम पूरा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और जैसे हम नीचे की तरफ आए हैं तो हमें जो है जादुई पत्थर जो काफ़ी लोग बाग यहाँ पर जो देखने के लिए आते हैं तो हम आपको दिखाने वाले हैं। हम लगभग जो है पहुँच चुके हैं उस जादुई पत्थर की तरफ जो हवा में आज भी रुका हुआ है, तो चलेंगे हम दिखाते हुए आपको, ये देख सकते हैं
ये जो आप पेड़ देख रहे हैं बरगद का पेड़ है, इस बरगद के ही पेड़ के ठीक सामने आपको ये जो है जादुई पत्थर जो आपको दिख रहा होगा। तो ये जादुई पत्थर अभी हम नीचे की तरफ जाने के बाद जो है पूरी तरह से आपको दिखाने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं अभी हम यहाँ से अभी नीचे की ओर आया है और अभी हम आपको जो है जादुई पत्थर दिखाएंगे जो जयपाल जादूगर ने फेंका था। तो चलते हैं हम अभी नीचे की तरफ और आपको दिखाते हैं। जैसे आप ताड़ागढ़ से नीचे की तरफ आओगे ज़ियारत करने के बाद और सामने आप चाहे तो आप ऊपर जब जाते हो दरगाह की तरफ तो वहाँ से भी आने के बाद देख सकते हैं, और चाहे तो आप यहीं से खड़े होकर भी यहाँ पर जो है जयपाल जादूगर का पत्थर जो है सफ़ेद कलर का ये देख सकते हैं जो आज तलक हवा के दौरान रुका हुआ है। और अभी आप नीचे भी चलेंगे और देख सकते हैं तमाम ज़ायरीन किस तरह से यहाँ पर जो ये सफ़ेद कलर का जो पत्थर देख रहे हैं आप, ये पत्थर को चूमते भी है और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह ज़ायरीन चूमते हैं, दुआ मांगते हैं। और इस पत्थर को देखने के लिए तमाम ज़ायरीन दूर दूर से आते हैं। ये ताड़ागढ़ के रास्ते के बीच में ही पड़ता है ये सफ़ेद कलर का पत्थर जो आप देख रहे हैं। और सामने आप ये बरगद का पेड़ देख लें, काफ़ी पुराना पेड़ है ये। तो चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ और नीचे से भी आपको जो है दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम जो है नीचे की तरफ आ चुके हैं और नीचे से जो है आपको पूरा दिखाएंगे ये पत्थर। देख सकते हैं आप, यही वो पत्थर है जो जयपाल जादूगर ने फेंका था और आज तलक बताया जाता है ये हवा में रुका हुआ है। तो देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आज तलक ये हवा में जो है पत्थर रुका हुआ है, पूरा देख ले आप। चुम लो आ गया कि चुम लो दोंगली सरकार की आंखों में लगा लो आ गया कि चाबुक है घुटना है घुड़ेगा घुटनों पर लगा लो चाबुक है यही पत्थर रुका है दोंगली से चाबुक जो रुका है घोड़े ने घुटने से रुका है। और ठीक जो बरगद का पेड़ आपको दिख रहा है सामने, जहाँ पर आपको चूड़ी और लाल धागे दिख रहे होंगे, यहाँ पर बताया जाता है जिनकी भी शादी में या रुकावट होती है तो वो यहाँ पर जो है चूड़ी वगैरह बांधते हैं, और यहाँ पर बताया जाता है चूड़ी वगैरह बांधने से उनकी शादी में रुकावट नहीं होती है और माशाल्लाह मांगने से पूरा होता है। और यहाँ पर लाल धागे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मन्नत के लिए बांधे गए, तो माशाल्लाह देख सकते हैं ये जयपाल जादूगर ने जो पत्थर फेंका था उसी पत्थर के ठीक सामने ये पेड़ नज़र आएगा। यहाँ पर आप चाहे तो मन्नत के लाल धागे बांध सकते हैं और यहाँ पर मन्नत आप मांग के पूरी कर सकते हैं। घुटनों पर लगा लो